ربنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. मेरे प्यारे भाई सब अच्छा कबूतर होती है मेरे प्यारे भाइयों, तकलीफ और दावत क्या चीज है, क्या चीज है? कोई पूछे कि भाई ये क्या चीज है, तरीका तरीका एक चार महीने से पांच काम करते हैं, चार महीने देते हैं वगैरह वगैरह, काम की तफसीलात है, तरतीबात है, तकलीफ क्या चीज है? मेरे भाइयों, तकलीफ जो है वो जिंदगी की जिम्मेदारियों के संभालने का नाम है। जिंदगी की जिम्मेदारियों को संभालने का नाम तकलीफ। बंदे फरमाया, जो बातें आप पर उतारी गई है नबी उसे पहुंचा दी, सारी जिंदगी आपकी उसी में गई। तो तबलीग कोई चंद कामों के करना से तो यह जिम्मेदारी कोई नहीं होती है, बल्कि वो तो जिंदगी की जिम्मेदारियों का नाम है कि मुझे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि मेरी जिंदगी अमानत है। इंसान के पास जितनी चीजें हैं वो सब अमानत है, वो उसे नहीं ली जाती है। जैसे हयात ले ली तो हयात के मुताबिक जितनी चीजें हैं सब ले ली, क्योंकि वो अमानत है। और सिर्फ ले ही नहीं गई बल्कि ले लेने के बाद उसका हिसाब मांगा जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कारगुजारी हुई? अमानत का मतलब ये होता है जैसी दे वैसी दे। उन्होंने सही समय चार दस बार पैसे देखे करो तो कोई आदमी कोई अपनी अमानत दे गया होगा। तो वो उसे वापस हुई, फिर फरमाया कि गिन करके हमने ली नहीं थी इसलिए बगैर गिन के दे दी, अगर गिन करके लेते तो गिन के दे दी। हमारा कई मतलब तो गिन करके दी गई इतने 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 तो वो गिन के लेंगे भी। हाँ तभी तो बात पूरी होगी, इसलिए तबलीग का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करना जैसा हुक्म है उसके मुताबिक। ये तबलीग कि वो हमारी पूरी जिंदगी पर हावी है। तबलीग हरी चार महीने कुछ चार दिन का नाम तीन दिन का नाम नहीं है, वो तो इस्तेदाद पैदा करने के लिए मरीज को अस्पताल में रखते हैं, वर्जिश कराते हैं, ऐसे ही ये है। कितने जन्म ने चलाया और कुछ अमल में मजबूर किया
ताकि उसके अंदर ये चेष्टेदार पैदा हो जाए। क्या रिश्तेदार पैदा होनी है, रिश्तेदार से क्या मुराद है, क्या पैदा कराना है, क्या पैदा कराना है, तो ये पैदा कराना है कि हर एक के अंदर आखिरत का फिक्र पैदा हो जाए, ये पैदा कराना है। انما هممنا الاخره وليست هممنا الدنيا، کہ ہمارے عزائم کس کے ہیں، کیا آخرت کے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے عزائم آخرت کے ہیں، آخرت بنانی ہے، آخرت کیوں بنانی ہے، حضرت قتادہ جو ہیں مشہور مفسر ہیں वो फरमाते थे कि दुनिया जो है वो तो हयात मौत का घर है और कुछ नहीं, दुनिया हयात मौत का घर है, हर घर में हयात भी होती है, हर घर में मौत भी होती है, तो किस्सा खत्म हो जाता है। वो फरमाते थे कि हर घर में दुनिया हयात और मौत का घर है, कोई घर ऐसा खाली नहीं जिसमें हयात ना हुई हो और जिसमें बच्चा भी पैदा हुआ और बुढ़ा हो तो घर भी गया, तो फिर सब खत्म हो गया। अब जिस घर में पैदा हुआ था उस घर से इसका कोई डालू नहीं है, न शरीयत में न लोगों के उर्फ में, शरीयत में भी नहीं घर भी चाहे भेदभाव नहीं उनका, ऐसे ही चलता रहेगा। वो फरमाते थे कि दुनिया दुनिया हयात मौत का घर है, ये समझना चाहिए, यहाँ हयात भी होगी और हयात के साथ साथ फिर मौत भी होगी। फिर अल्लाह ने हयात और मौत दोनों के पैदा करने की वजह ये बताई है कि हमने हयात और मौत को पैदा किया है, कि हम देखना चाहते हैं कि तुमने से अच्छा अमल करने वाला कौन है, कि अच्छा अमल कैसे कहते हैं और अच्छे अमल से क्या मुराद है। उलमा ने लिखा है कि अहसन अमल से मुराद वो है कि कोई हराम काम न करे और हर वक्त अल्लाह की इताअत के लिए तैयार रहे, ये अहसन अमल है। कि मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर अच्छा अमल करने वाला कौन है, ये अच्छे अमल से मुराद ये है कि कोई हराम काम ना करे, क्योंकि हराम जो है वो अल्लाह के हुजूर है। हज में कोई दाखिल हुआ बड़ा मुजरिम, किसी भी मुल्क की कदर में दाखिल हो जाए बगैर इजाजत के, तो उसका गुना माफ नहीं होता, ये क्यों है। पिछले दिनों हमारे निजामुद्दीन को ये मने आए थे, तो पंगा दिए गए खोलने वाले, किसी ने कहा यहाँ शहर दर्शन मिलता है, तो बांग्लादेश में हिंदुस्तान के बॉर्डर में दाखिल हो गए और उनके पास कुछ भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, दो बरस उनका केस चला, तो फिर उनका छुटकारा हुआ, क्योंकि रास्ते कुछ गए कहा अच्छा अमल किसे कहें, कि अल्लाह के हराम से बचे और हर वक्त अल्लाह की इताअत और ताबेदारी के लिए तैयार रहे,
सबसे अच्छा अमल। तो मुझे अल्लाह ने क्या क्या जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के लिए हर वक्त तैयार रहा, अपने आप को पाबंद करें, आदमी की खूबी उसकी पाबंदी में है, उसकी खराबी उसकी आजादी में है। इसकी जिंदगी में बड़ी नजाकत है, इसे गैस खुला रह जावे, गैस खुला रह गया बड़ा खतरा। हमारे इलाके में गांधी जिंदा में रहते थे, बड़े ताजी थे, ये कारोबार था, अल्लाह की जान कि किसी वजह से वो गैस खुला रह गया। रात को उन्होंने अपना माचिस जलाई तो पूरे घर में उनके अंदर की आग ही आग लग गई। आजादी का ये संग्रह होता है, एक गैस आजाद हो गया तो कितने तबाही हो गई। ऐसे आदमी आजाद हो गया कि इसकी तबाहियों का तो कोई नहीं कर सकता। खैरियत इसी अंदर होती है कि अपने आप को अल्लाह के हुक्मों का पाबंद करे, नीयत से भी, अमल से भी, तरतीब से भी। तीन चीजें मिलकर दीन बनता है, नीयत भी हो, अमल भी हो, तरतीब भी हो। ये नीयत सही नहीं है या नीयत ही नहीं है, जैसे हमारे अक्सर आते बगैर नीयत काम करते हैं, आदत पड़ी हुई है। बगैर नियत के अमल नहीं बनता, वो आदत होनी हो जाती है। दीन बनेगा, दीन बनेगा नियत से, किस नियत से तरे हो, किस नियत से कर रहे हो, तुम्हारे सामने क्या चीज है, क्योंकि नियत जो है वो अमल की मुहर्रिक होती है, आदमी को अमल की तरफ खड़ा करने वाली चीज उसकी नियत होती है। एक आदमी आने जा रहा है, अरे कहा पानी पीने जा रहा, पानी पीने का इरादा मुहर्रिक हुआ है यहाँ से उठाने का, तो नियत उस इरादे को कहते हैं कि जो आदमी को किसी काम के लिए तैयार करे, उसी पर अल्लाह का कंट्रोल है। कि मैं तुम्हारी नियतों को देखता हूँ कि तुम्हें कौन सी चीज हरकत में ला रही है, अल्लाह ताला तुम्हारी नियतों को देखते हैं, लोग सूरतों को देखते हैं, लोग मानों को देखते हैं, और अल्लाह जी को देखते हैं कि अल्लाह तो नियतों को और अमलों को देखते हैं, क्यों कि वो असल है, वो असल है, इखलास वाले ही असल है। इखलास वाले वही असल है, वही हिदायत के सिराज है। हदीसों में जो मुखलिसीन है वो हक की रोशनी फैलाएंगे, उनसे हक की रोशनी फैलेगी। कि वो कुछ नहीं चाहते, नमाज चाहते हैं, ना मर्तबा चाहते हैं, ना तारीफ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हैं, अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी को चाहते हैं, अल्लाह के इताअत बजा लाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। कोई उनकी तारीफ करे, कोई उनकी बुराई करे, इसे उनको कोई लेना देना नहीं है कि हम तो अल्लाह से लेना देना हमारा। लोगों के बदनाम करने से, लोगों के बुरा कहने से असल चीज बुरी नहीं होती, बल्कि वो बुरा होता है जो बदनाम करता है। हाँ?
इफलाज वाला या इफलाज वाला जिसको नहीं दिखता कि कौन मेरी तारीफ कर रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है। इफलाज वाला ये दिखता है कि अल्लाह राजी है या नहीं। एक ही चीज है, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिंदगी की जिम्मेदारी है कि अल्लाह राजी हो जाए। يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا صحابہ کس پر ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ یہ دو وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے کہ اللہ فضل فرما دے اللہ کے فضل میں سب کچھ ہے فضل سے جنت بھی ملے گی فضل سے روزی بھی ملے گی فضل سب بھی ملے گی کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت نہیں لے گا اللہ کے فضل ہی جائے گا वो अल्लाह अल्लाह से उसका फजल मांगते थे और अपने अमल से अल्लाह ताला को राजी करते थे। इसलिए मैंने कहा कि तबलीग के तबलीग तो जिंदगी की जिम्मेदारियों के पूरा करने का नाम है और जिंदगी की जिम्मेदारी इसलिए पूरी करनी है कि हमारे सामने आखिरत है। आज आखिरत का मसला ओझल हो गया कि आखिरत नहीं है सामने, इस दिमाग से आखिरत निकल गई, ये हो गया। इसलिए रोजो अल्लाह की तरफ नहीं है और असल ये ही है कि दीन आने के बाद रुख या रुख आखिरत बनाने की तरफ हो जाए। क्यों? कि आखिरत के लिए पैदा हुए हैं। इन दुनिया खुले कर लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। ये हदीस शरीफ में है, ये हदीस शरीफ में है कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया और दुनिया तुम्हारे लिए पैदा कर दी। इनाम अल्लाह का कि हमारे लिए दुनिया बनाई ताकि जितनी जिंदगी है उसे फायदा उठाए। चार तो कोई नहीं ले जाएगा, बनाई है तो फायदा उठाने के लिए बनाई है। जैसे किसी ने कुआं खोदा वक्फ किया तो कोई और फायदा उठाने के लिए, पानी पियो नहाओ और जानवर को खिलाओ, किस तरह से जरूरत पूरी करके। दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की है और तुमको तुमको आखिरत के लिए बनाया है, ये सबसे बड़ी बात है, मामूली नहीं है कि हमारे सामने आखिरत है। हमने आखिरत के लिए कितना किया है, कि सहाबा फरमाते थे कि हमारे अजाय में आखिरत बनाने थे, कि आखिरत बनानी है, कि तुम आखिरत बनानी है। आखिरत की क्या पहचान, आखिरत में क्या होगा, बताता फरमाते थे कि जिस तरह दुनिया हयात मौत का घर है, ऐसे ही आखिरत के बदला और बका की जगह है। इसी जगह बदला और बका, तो वहां बदला मिलेगा और जो मिलेगा बदला वो बाकी रहेगा और वो बदला पाने वाला भी बाकी रहेगा। ये मसला है कि वहां जो चीज मिलेगी वो बाकी रहेगी, खत्म नहीं होगी। अच्छाई हो बुराई हो, यहाँ के हालात तो बदल जाते हैं, सुबह होती है शाम होती है, वहां के हालात में तब्दीली नहीं है। इसलिए कहा वो बदला और बका की जगह है, वहां बदला भी मिलेगा और जो बदला मिलेगा वो बाकी रहेगा। अपने आखिरत बना करके जाओ, वही समझदार है जो अपने
अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके आखिरत बना ले, हमारा और कोई मसला नहीं है, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, फिर हम तो अपने आप बढ़ जाते हैं, आखिरत चाहने वाले से कोई नहीं डर जाएगा, दुनिया चाहेगा तो झगड़ेंगे, तो दुनिया तो झगड़ के नहीं जाती है। तो कहते हैं इलेक्शन लड़ते हैं लड़ के लिए, मर्तबे लड़ के लिए जाते, यहाँ मर्तबे लड़ के लिए नहीं जाते कि अपनी दुनिया कुर्बान करने के तुम्हारे मराठी पड़ेंगे, तुम्हारी दुनिया कुर्बान होगी और तुम्हारे मराठी पड़ेंगे। हदीसों में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के आखिरी एक मर्तबा तो मैंने देखा कि एक दरवाजे एक आदमी है उसको हर हर दरवाजे से आइए 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 आइए, हर दरवाजे से अलग हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये कौन होगा, कोई नबी होगा, अब उन्होंने अब वो कर रहा अबू बकर होंगे, ये उनके हर दरवाजे से उनका इस्तकबाल है, यहाँ से आइए यहाँ से आइए, क्यों कि वो हर अमल में पूरे उतरे हैं, हर अमल का दरवाजा है, जैसे रोजे का था दयान एक दरवाजा है, जैसे रोजा दाखिल होंगे पाने बताए रमजान में, तो रैयान है एक जिक्र का दरवाजा है, तो दरवाजे हैं तो उनको हर दरवाजे से उनका ऐसा हो रहा है क्यों कि वो हर अमल में पूरे उतरे हैं अपने आखिरत बनाने के लिए, तो बड़ा मसला मेरे दोस्तों यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से अपनी आखिरत बना रहे, तुम्हारे सामने क्या है, हर काम में हमारी आखिरत है, हर काम में हर काम में आखिरत बने, ये हमारी बीमारी है कि आखिरत की तरफ से यानी बिल्कुल सर्द मोहरी है, यानी आखिरत के लिए बाजार ठंडा पड़ा हुआ है, सुबह होती है शाम होती है जिंदगी तमाम होती है, हमारी दावत वही है जो सहाबा की है कि हमें अपनी आखिरत बनानी है, कोई मसला ही नहीं है, वो तो जान दे देते थे और मर जाते थे, तो इस वजह से आगे आखिरत है, बस इसको तो खत्म होना ही है, और फिर क्या आखिरत में से कोई परेशानी नहीं है, हमें हमेशा ही दावत में पहुंच जाएंगे, मैंने कहा कि तकलीफ क्या, कि वो जिंदगी की जिम्मेदारियों के पूरा करने का नाम है, और जिंदगी की जिम्मेदारी आखिरत बनाने के लिए पूरी करे कोई दूसरी गलत नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, और एक बात और है वो ये है कि इस दुनिया में बल्कि हर जगह वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, क्या होगा जो अल्लाह चाहेगा वो, इसको नहीं भूलना, हो जाएगा हो जाएगा, तो किसने कहा, क्या दलील, कोई दलील नहीं है, कोई खबर नहीं है,
किसी का ही पता नहीं है, यूँ हो जाएगा यूँ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, क्योंकि अल्लाह का कब्जा दोनों चीजों पर है, अल्लाह का कब्जा दोनों चीजों पर है। दोनों चीजें क्या है, अदा लहुल खल्क वल अम्र, याद रखो मखलूक भी अल्लाह की है और फैसला भी अल्लाह का है। मखलूक किसकी है, तो मखलूक खालिक की, दूसरा खालिक नहीं है, दूसरा खालिक नहीं है। कैफियत हो, हालात हो, असबाब हो, इन तमाम चीजों का पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह। ये है अल्लाह पैदा करने वाला है, तो क्या पैदा करके वो बेबस हो गया, हिम्मत करे क्या, परमेश्वर हो गया मैं क्या करूं, मोदी ने बूटा बना दिया वो छोटा रह गया, अब वो बड़ा नहीं बना सकता क्योंकि वो कारीगर है, खालिक नहीं है। हाँ, वो कौन है, वो कारीगर है, उसने काम सीखा है जूता बनाने का, इसे वो पूर्ण करेगा, सीखने वाला पूर्ण करता है। तो अल्लाह ऐसा है, मेरा रब न बहकता है न भूलता है, ये कहलवाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ला यदिल रब्बी वला यंसा, मेरा रब बहकता नहीं है कि ये जाते तो जाते चला गया, उसको बहकना कहते हैं, और भूलना ये भूला भी नहीं, अल्लाह भूलता भी नहीं। तो इसलिए जमीन और आसमान और सारी कायनात में वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, यही हमें कहना चाहिए, इसे से हमारे ईमानों में तरक्की होगी, याद रखो। क्यों, कि अल्लाह अकेला अपनी कायनात में मुतसर्रिफ है, नफा देने वाला, नुकसान देने वाला, उजाला लेने वाला, अंधेरा लाने वाला, जैसे छोटी रात बनाने वाला, बड़ी रात बनाने वाला, छोटे दिन बनाने वाला, बड़े दिन बनाने वाला कौन है, जिस तरह बड़े दिन बनते हैं फिर छोटे हो जाते हैं, छोटी रातें बनती है फिर बड़ी हो जाती है, तो जिस तरह मौसम में हालात आएंगे ऐसा इंसानों पर भी हालात आएंगे, मौसम से सर्दी लगती है, मौसम से गर्मी लगती है, तो वो हालत कौन लाते हैं, कोई दूसरा नहीं लाता, कोई मखलूक खालिक नहीं है, कोई मखलूक खालिक नहीं है, सब मखलूक है, तो बनाने वाला कौन है, ये उसकी सिफत है कि वो अकेला बनाने वाला है, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है, चाहे इसमें बनाए इसके चाहिए और नहीं बनाए, तो मखलूक शारी के है इसकी है अल्लाह की, और मखलूक में मखलूक पर इख्तियार किसका है, वो भी अल्लाह, इसलिए कहा अला लहुल खल्क वल अम्र, याद रखो मखलूक भी अल्लाह की है और फैसला भी अल्लाह का है, और किसी का फैसला नहीं होता, कोई उसके फैसले में शरीक नहीं है, इसलिए एक अल्लाह की मानने की दावत दी है, दूसरे के मान दूसरों के मान से क्या करोगे, उनके हाथ में तो कुछ है, एक अल्लाह की मान, क्यों, क्योंकि हमें सब कुछ है,
उसके हाथ में सब कुछ है। और अल्लाह ताला को पहचानो, क्या करो, अल्लाह को पहचानो। लेकिन कैसे पहचानो कि अल्लाह को उनकी सुन्नतों से या उसकी हिकमतों से पहचानो। ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये तो अल्लाह ताला की आदत है, अल्लाह यूं ही करेंगे, इसको सुन्नत कहते हैं। कि भाई इंसान इंसान से पैदा होगा, मर्द औरत से, और किसी चीज से नहीं पैदा होगा। सब्जा सब्जा जमीन से उगेगा, ये सुन्नत हो गई। अब कोई भी सब्जा लेना हो जमीन से लो, इसको क्या कहते हैं कि सुन्नत। के चावल लेना है तो के चावल वो चावल लो कि अल्लाह के सामने खुद रख दीजिए कि चावल तो ये घूम और घूम बना दे, मगर अब नहीं करेंगे। इसको सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह की ये सुन्नत है, नहीं तरीका जारी हो गया है, इसके खिलाफ नहीं होगा। बोला अंदर ले लीजिए सुन्नत लीला से तब्दीला। और एक अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह जो कुछ करेंगे हिकमत से करेंगे। हिकमत का अंजाम बाद में खुलता है, पहले नहीं खुलता। इसलिए आदमी हिकमत के अंजाम से जाहिल होता है तो वो हिकमत के उमूर से परेशान हो जाता है, कहता नहीं तो क्यों किया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबियों ने अल्लाह की पहचान कराई है कि अल्लाह को उसकी कुदरत से भी पहचानो, उसकी सुन्नतों से भी पहचानो, उसकी हिकमत से भी पहचानो। जाहिल रहकर अल्लाह का हक अदा नहीं होता। सबसे ज्यादा इंसानी जिंदगी को जो नुकसान होगा वो उसकी जहालत से होगा। क्यों? जो अपनी जहालत की वजह से कोई हक नहीं पहचानेगा, ना अपनी जात का हक पहचानेगा, ना अल्लाह का हक पहचानेगा, ना अल्लाह के मखलूक का हक पहचानेगा। क्योंकि जाहिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिलियत खत्म करने के लिए भेजा था। क्या खत्म करने के लिए? जाहिलियत। बहुत मजबूत जाहिलियत थी। 600 साल हो गए कोई नबी नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर उठाए गए, अब क्या रह गई कि जहालत। जहालत नहीं, जाहिलियत। ये वो जहालत इंसानों की सिफत बन गई, इसलिए सिफत के साथ मौसूम हुई जाहिलियत, इसलिए ना जहालत। जाहिलियत कहा, जहालत नहीं कहा। जहालत और जाहिलियत में ये फर्क है कि जहालत तो एक वश पर है, अंधेरा एक वश पर है, लेकिन अंधेरा और अंधा उसमें वो सिफत हो गई, उसका आपको कुछ नहीं देखता। ये जाहिलियत का जमाना है। इंसानों के अंदर जहालत उनकी सिफत होगी, इसलिए जाहिलियत कहा। एक एक इंसान जाहिल है, तो किस क्या हुकूमत ने क्यों जमाने में हुकूमत नहीं थी, तजारत नहीं थी, असराफ दुनिया की तरफ के नहीं थे, बहुत थे, सब चीजें थी। जो आज हैं वो अपनी असली हालत में सब चीजें थी। हाँ, मशीनें नहीं थी। अपनी कारीगरी से अपने काम करते थे, अल्लाह ने इज्जत दी। वरना जो चीजें आज हैं आज लोगों को तरक्की की हवस है, तो जनमान में भी लोगों की तरक्की की हवस होती है। लेकिन ये सब जाहिलियत के साथ, इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, अल्लाह की क्या सुन्नत है, इससे कोई खबर नहीं। तो आज भी अल्लाह की सुन्नत को, अल्लाह की हिकमत को हमने ही बोला, अल्लाह की क्या हिकमत है, अल्लाह ने किया है तो क्या हिकमत है, क्या हम नहीं जानते। हिकमत है, बाद में जाहिर होगी।
तो फिर क्या करें कि फिर अल्लाह के फैसले पर सब्र करें यहाँ तक के नतीजा आवे। हिम्मत का तकाजा है क्या है? मूसा अलैहि सलाम एक और पता कहीं जा रहे थे, एक आदमी जमीन में अपने आप को रेत के अंदर घुसाया हुआ बैठा हुआ रेत में घुसा रखता, उन्होंने मूसा अलैहि सलाम को देखा तो अल्लाह के अल्लाह के नबी मेरी हालत पर नजर करो, मैं बहुत मोहताज हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे बहन ने कपड़े नहीं है, मैंने अपने आप को रेत में छुपाया, मेरे लिए दुआ कीजिए। हमारा नबी है तो दुआ मांग के अल्लाह जिस पर हालात को खोल दे। मुसा अलैहि सलाम अपने काम बड़ा मना हो गए, अरसे के बाद वापसी हुई उसी रास्ते से, देखा कि लोग जमा है और यूँ क्या उनसे तक रहे हैं, क्या मसला है, क्या मसला है? लोगों ने कहा एक आदमी ने शराब पी है और शराब पी के खून किया है और उस खून में वो पकड़ा गया है और उसको मौत की सजा दे रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम ने जो देखा तो वो वही था जिसने दुआ करवाई थी, दुआ मांगी तो मैंने हिकमत को खोल लिया कि मैंने इसको क्यों गरीब रखा था। अल्लाह की हिकमत जो है वो उसके फैसले में मुजमर और पोशीदा होती है। जो गरीब बना है तो क्या वहां अल्लाह यहाँ कोटा खत्म हो गया है माल का, तो इसको गरीब बनाया तो भैया अभी रुक जाओ कोटा आया नहीं है कि नहीं इसको गरीब बनाया है हिकमत से, इसकी ईमान की सलामती जिसकी गरीबी में है, नहीं तो ये अपने ईमान को खराब करेगा। बात लोगों को अल्लाह इसलिए मालदार बनाते हैं कि उनकी मालदारी में उनके ईमान की हिफाजत है, जैसे उसको अल्लाह गरीब बनाएंगे तो ईमान खोएगा, बालों के ईमान की वजह गरीबी में है कि वो गरीब बनाया, इसी गरीबी में इसके ईमान की हिफाजत है, नहीं तो ये हाथ तोड़ देगा। जैसे इस आदमी ने इधर आप दी भी वो कतल दी गया और जुर्म साबित हुआ और मौत की सजा हुई, तो इससे तो वो हालत अच्छी थी। मूसा अलैहि सलाम को ये हकीकत अल्लाह ने अपनी हिकमत का संग्रह और नतीजा खोला कि मूसा मैंने रेते इसको नहीं बनाया, मैं इसको जानता हूँ, अला जाला उमन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जो पैदा करता है? अल्लाह कहते हैं तो मेरे जो तो जिंदगी की जिम्मेदारियों में ये भी है ईमान अल्लाह की सुन्नतों को अल्लाह की हिकमतों को समझे और समझ करके अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी करे हर हाल में, फिर अल्लाह उसका है, अल्लाह उसका है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने फैसलों को अपने हिकमतों में पोशीदा रखते हैं और बंदों को दावत दिए कि अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से अपना ताल्लुक सही करो, तो वहां से कोई चीज बगैर हिम्मत के बगैर खैर के नहीं आती। पढ़े ना भैया तेल खैर हो वाला कुल तेल गरीब के अल्लाह ही के हाथ में खैर है, वो तो हर चीज पर काटी रहे। अल्लाह की हिम्मतों को पहचानना, अल्लाह की सन्नतों को पहचानना, अल्लाह इसी तरीके से करेंगे
तो उसके पाबंद रहो, उसके पाबंद रहो, अल्लाह की हिकमत पर, उसके कुदरत पर ईमान लाओ। अल्लाह हिकमत से करेंगे, कुदरत से करेंगे। हाँ, एक जिम्मेदारी है कि अल्लाह से अपना ताल्लुक ऐसा बनाओ कि कुदरत तुम्हारे साथ हो जाए। क्या हो जाए? कि कुदरत तुम्हारे साथ हो जाए, कि अल्लाह अपनी कुदरत के साथ तुम्हारे साथ हो जाए। नबियों ने ये कहा, ठीक है। अबू बकर सैयद से तुम आपको क्या घबराने की बात नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। मूसा अलैहि सलाम अपने को क्या घबराने की बात नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह तो सबके साथ है कि नहीं, अब उसकी कुदरत हमारे साथ होगी। क्यों? हम उसके रास्ते पर हैं, हम उसके रास्ते पर हैं, इसे उसकी कुदरत हमारे साथ होगी। कुल हाज़िही सबीली अदउ इला अल्लाह, नबी कहो ये मेरा रास्ता है जो अल्लाह ने दिया है, और मैं उसी की तरफ अल्लाह की दावत देता हूँ कि इस रास्ते पर आओ। इस रास्ते पर आने से क्या होगा? कुदरत तुम्हारे साथ हो जाएगी। फिर कुदरत अपना काम करेगी, सुन्नत से भी, हिकमत से भी। कुदरत सामने का देते थे कि तुम्हारे हर फैसले पूरे हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे हर फैसले पूरे हो जाए। जो मैं चाहता हूँ वो पर अल्लाह कुदरत में फैसला नहीं होगा। अल्लाह हिकमत से कुदरत इस्तेमाल करेंगे, बीमारी बनाएंगे, तंदुरुस्ती बनाएंगे, मदद बनाएंगे, गरीबी बनाएंगे, बेचैनी बनाएंगे। हिकमत का तकाजा है, हिकमत का तकाजा है, अल्लाह हकीम है। अल्लाह ने बनाया कि हर वक्त अपने परवरदिगार से अच्छा गुमान रखो, ताकि महरूम ना हो जाओ। नहीं तो महरूम हो गए, नाउम्मीद हो गए, अल्लाह से कट गए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते थे कि मुझसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफा से 3 दिन पहले ये बात फरमाई कि जाबिर देखना, तुम्हारी मौत इस हाल में आवे कि तुम्हारा गुमान अपने अल्लाह के साथ अच्छा हो। अल्लाह के साथ कैसा गुमान करोगे? अच्छा गुमान करेंगे, अल्लाह जो वो करेगा वो अच्छा ही करेगा। जब हिकमत खुलेगी तब बात समझ आएगी। नबियों के साथ ही इन्होंने रखे, वो चाहते थे वो नहीं हुआ। साहबा चाहते थे कि भाई हम उमरा के लिए आए हैं तो उमरा करके जाओ, ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का घर है, ये लोग क्यों रोक रहे हैं? अल्लाह घर किसका है और नबी किसका? तो अल्लाह के नबी को अल्लाह के घर में जाने देना, ये क्यों रोके? और इनके रोकने से हम क्यों रुक जाए? क्या करेंगे? लड़ेंगे? आपने बताया नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे यही हुक्म है, क्या उमरा नहीं करना है, वापस जाना है। वहां अल्लाह की हिकमत काम कर रही थी जो साहबा पर खुली नहीं थी, जिसने वो जगह रहते हैं रोमन की जगह रहते हैं। अल्लाह के नबी हैं, वो सच्चे नबी हैं, हमारे दिन भी सच्चा है, फिर इनसे क्यों डरें? आप एक ही जवाब देते थे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगा, तुम नहीं जानते। क्योंकि इमाम का यही तकाजा है कि जो अल्लाह रसूल कहें या अल्लाह रसूल बतावें कि वही करना है, तय समझ में आ रहे तय समझ में आ रहे, समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की कुदरत पर भी यकीन करें और अल्लाह की हिकमत को भी जानें कि इसको कोई अल्लाह की हिकमत का तकाजा है तो ये हो रहा है। बाद मतलब आदमी के नागवार चीजें आती हैं, नागवार हालात आते हैं, जो कुछ चाहता नहीं, मगर हिकमत का तकाजा है कि ये हालात जिसके हक में बेहतर है वो हम भी जानते हैं, वो हम नहीं जानते। बाद में उसका समरा खुलेगा कि हाँ ये बात।
से ईमान भी गैर है कि बगैर देखे अल्लाह की बात को, बगैर देखे अल्लाह के फैसले को कबूल कर लो। क्योंकि अल्लाह उन्हीं लोगों का साथ देगा कि जो अल्लाह के फैसले को कबूल करते हैं, अल्लाह के हुक्म को कबूल करते हैं, इस यकीन के साथ कि हमारी कामयाबी इसी के अंदर है। और मेरे दोस्तों, हमारा तो यकीन यह है कि दुनिया के हालात असल नहीं है, दुनिया के हालात असल नहीं है, चाहे अच्छे हों चाहे ना गो, वो असल नहीं है, वो तो बदलने वाले हैं। जैसे बचपना था वो बदल गया, जवानी आ गई, फिर जवानी बदल गई, बुढ़ापा आ गया, फिर बुढ़ापा बदल गया, मौत आ गई। तो हालात को बदलना है, हालात तो अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान के लिए लाते हैं। इसमें रखकर बंदों को देखना है कि वो क्या करते हैं। पूरी दुनिया हालात का घर है, इसे पूरी दुनिया इम्तिहान का घर है। क्या है इम्तिहान का घर? दुनिया हरी भरी और मीठी है, और तुम में से हर एक को अल्लाह ताला इसमें से एक के बाद एक के बाद एक को गुजारेंगे। पहले दादा थे, फिर अब्बा आए, फिर अब्बा चले गए, फिर बेटे आए, बेटे चले पूछे, इस तरह चलता है। इस तरह तुम्हें एक के बाद ना करके एक का जानशीन बनाएंगे। तो क्या हिकमत है कि ये देखना है कि कौन इस दुनिया में अपनी कारगुजारी अच्छी बनाता है। इसको देखने के लिए ये हालात लाए जाते हैं। ईमान की बरकत ये है कि नागवार हालात जो है वो इनाम दिलाते हैं, इनाम की ईमान की वजह से। नागवार हालात वो ईमान की वजह से इनाम दिलाते हैं। हदीसों में कि मोमिन बंदा कि इसको कोई कांटा भी चुभ जावे तो भी उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, ये उसके ईमान की बरकत है, दूसरों के लिए नहीं दे पाए, इसकी हद माफ हो जाएगी, उसके बाद माफ हो जाए। कोई चीज कहीं रखी थी, रख के भूल गया, अब उसके ढूंढने में परेशान हो गया, फिर परेशानी के बाद वो भी इस परेशानी पर इसके गुनाह माफ हो जाएंगे। बोला ना कभी चाबी कहाँ रख दी, मिल नहीं है, अरे उनसे पूछो, उनके माँ से पूछो, मैं पूछो। अब थोड़ी देर के बाद वो मिल गई। अच्छा मैं इतना है कभी थोड़ी देर उलझन हुई, चाबी नहीं मिल रही है, चाबी नहीं मिल रही है, ये उलझन उसके गुनाहों को माफ कर देगी। हम अपने ईमान की कमजोरी की वजह से गुनाहों की माफी को कोई इनाम नहीं समझते। और अल्लाह की माफी, माफी तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह को हिब्बू नहीं अब कर अल्लाह लकुम, या तुम इसको नहीं चाहते कि तुमने तुम्हारी अल्लाह मगफिरत करे। ये अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह ने कहा, इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। उसे कहा अबू बकर तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे। हाँ मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी मगफिरत करे। तो मगफिरत और गुनाहों का माफ होना तो बड़ी चीज है। ईमान वालों के लिए जो हालात हैं वो मगफिरत का जरिया तो यकीनी है, इन हालात की वजह से इनके गुनाह माफ होते रहेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह एक आयत ऐसी है कुरान करीम में कि उसके बोझ से मेरी कमर टूटी जा रही है। बड़ा खौफ है,
मेरे सामने ये आयत आई है कि वमन यामल सुअन युज़ा बिही, जो आदमी कोई बुराई पति करेगा उसको उसका बदला दिया जाएगा। कुछ कमी कोई कोताही कोई बुराई ना हुई सारी जिंदगी और उसका बदला दिया जाएगा, तो जिंदगी में पता नहीं इतनी कितनी चीजें जमा हो जाएगी मरते मरते। जी हाँ, फिर उन सबका इकट्ठा बदला दिया जाएगा सजा में, तो बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इस आय से मेरी कमर टूटी जा रही है, उनके कठिन है वो तुम्हारे ऊपर परेशानियां नहीं आती है, बीमारियां नहीं आती आती है, जानवर का नुकसान नहीं होता होता है। ये जो चीजें तुम्हारे साथ आती है वो ही तुम्हारे गुनाहों को मिटाने वाली है, इसे तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। फिर जब आखिरत में होंगे तो तुम्हारे गुनाह तो मिटे हुए हैं, अब तुम्हारी एतात रह गई है, इसलिए तुम एतात का बदला दे रहे हैं। इसलिए अपने दीन को समझने की जरूरत है। दीन नहीं समझेंगे तो कोई हालत मुतमईन नहीं करेगी। दीन का खर्चा हमेशा होता है। लोग भी बनेंगे,
उनको प्रोफेसर होगा। फरमाया उनको इसलिए पछतावा होगा कि मैंने ज्यादा क्यों नहीं किया, मैं तो इसे भी ज्यादा कर सकता था, वहां तो बहुत बड़ा मैदान है अग्रत हाजिर करने का, उसको इसका अफसोस होगा। मैंने नहीं किया उनका अफसोस तो है कि तुमने सुख के अग्रत हरी है। इसलिए बड़ा मसला है मेरे दोस्त कि अपने दीन को सीखने की वजह से हम अल्लाह की हिकमतों से उसकी सुन्नतों से वाकिफ हो जाएंगे, फिर हमको कि हमको दुनिया के हालात परेशान नहीं करेंगे और असबाब गाफिल नहीं करेंगे, क्योंकि असबाब की तासीर यही है कि असबाब गाफिल करते हैं आदमी को, वो बात नहीं होगी बल्कि उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों की वजह से रहबरी होगी। हमको ये नहीं कहा है कि तुम दुनिया मत कमाओ, क्योंकि दुनिया तो हमारे लिए बनाई है, हम नहीं कमाएंगे तो और कौन कमाएगा, कुछ जिन्नत कमाएंगे फरिश्ते कमाएंगे, तुम्हारे लिए दुनिया बनाई है, इन्नत दुनिया बड़े पत्तक हो, हम दुनिया को इस्तेमाल करेंगे। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे दीन में हर शोबे के फजाइल हैं, हर शोबे के मसाइल हैं। हर शोबे के फजाइल, हर शोबे के मसाइल, फजाइल से मुराद ये है कि इस शोबे में लगने से तुम्हें अल्लाह क्या इनाम देगा, और उस शोबे में लगने का क्या तरीका है, ये मसाइल। क्योंकि दुनिया हमारे लिए पैदा की है, उसके शोबे हैं भाई, हुकूमत का शोबा, तजारत का शोबा, मुलाजमत का शोबा, जमींदारी का शोबा, ये शोबे हैं। तो जब हमारे लिए बनाई है तो उसमें लगने के इनाम इकराम भी होंगे। इसे फरमाए हमारे हर शोबे में, हर शोबे का, हर शोबे के फजाइल हैं, हर शोबे के फजाइल हैं। ताजिर के लिए तिलावत के फजाइल हैं, जैसे नमाज के लिए नमाजी के लिए नमाज के फजाइल हैं, रोजेदार के लिए रोजे के फजाइल हैं, ताजिर के लिए तिलावत के फजाइल हैं, जमींदार के लिए जमींदारी के फजाइल हैं, इसकी जमींदारी से इसकी आखिरत बनेगी, फजाइल में बताया जाता है। आखिर के लिए हुकूमत के फजाइल हैं, मजदूर के लिए कि मजदूर के लिए मजदूरी के फजाइल हैं, अजीबों में फजाइल इसीलिए हैं कि अल्लाह हमें क्या देने वाले हैं। जब फजाइल का ज़हन खत्म हो जाता है तो फिर आमाल में रस्मियत रह जाती है, अमल रस्मी तौर पर पूरे हो गए, उसकी शक्ल खड़ी हो गई, उसमें कैफियत नहीं है। जैसे प्लास्टिक की चीजें होती है, प्लास्टिक के बेवे, प्लास्टिक के सेब, प्लास्टिक के बेवे नहीं होते, प्लास्टिक के अंगूर, और प्लास्टिक के पेड़ कर होते बनावटी, वो हरे ही रहते हैं। क्या बात है, किसी जान नहीं है। ऐसे मेरे दोस्तों जब फजाइल का इस्तेदार नहीं होगा तो अमल में कोई जान और कोई मिठास नहीं होगी, सर से उतरने के लिए किया जाएगा। जी हाँ, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को फजाइल सिखाए हैं कि तुम्हारे अमल पर अल्लाह तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हारे सामने होने चाहिए ताकि अमल की तरक्की हो। जब कुछ चीज मिलने वाली होती है तो आदमी उसमें तरक्की करता है। अब हमारे जहनों में से ये चीजें खत्म हो गई कि मुझे अल्लाह क्या देंगे,
वरना हमारे यहाँ हर शोबे के फजाइल हैं, हर शोबे के मसाइल हैं। मसाइल के जरिए से उसका नबी वाला तरीका, ये मसाइल में और फजाइल में नबी के तरीके को क्या कहते हैं। इसी से अमल में जान पड़ती है कि मुझे अल्लाह ये देने वाले हैं। तो अगर इस अमल में कोई तकलीफ आई तो वो हल्की हो जाती है, क्यों कि मिलने वाले हैं। कोई चीज मिलने की उम्मीद होती है तो तकलीफ हल्की हो जाती है, और कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती तो भारी पड़ती है। इसलिए हमारी नमाजें हल्की है, हमारी नमाज हल्की। उसकी फजीलत नहीं मालूम है, उसके तरीके नहीं मालूम है। वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बहुत तफसील से समझाई कि तुम्हें ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। उसी के लिए करना है, अल्लाह के इनामात के शौक में करना है। अमल को अल्लाह के इनाम के शौक में और अल्लाह के नाम लिया तो अल्लाह के खौफ से छोड़ना है। ये दिन बना। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की दो सुन्नतों को हल्की पढ़ते थे, और ज़ोहर की चार सुन्नतों को लंबी पढ़ते थे। जो थे लोग हैं ना तरीके ने भजन की सुन्नतें कि दुनिया माफी हासिल बेहतर है पति दलील से, इनको सफर में भी आप नहीं छोड़ते थे। मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ एक पति रख कि दुनिया माफी हासिल बेहतर है तो सुन्नत भजन की जोहर की चार सुन्नत कि वो तहज्जुद के बराबर है, जैसे पिछली आधी रात को उठ के तहज्जुद पढ़ो। इसे कहा इसको लंबी पढ़ते तरीके हैं उसकी फजीलत कमाने की। इसलिए हमारा इस्तेदार अपने जान में अपने दावत में ये जरूरी है कि हम जिसको पढ़ें उसको सुने। खाली तरतीब चलने लगे ये हो रहा है, ये हो रहा है, होती वो तरतीब है, तरतीब भी जरूरी है, लेकिन वो तरतीब हमारे ऊपर असर करे ये जरूरी है। जैसे दवा की तरतीब ये दवा का असर, कहने कि मैंने 6 महीने का कोर्स पूरा कर लिया, फिर क्या असर हुआ? इसका वजन घटा, घटाना था तो या बढ़ाना था, इसका वजन बढ़ा नहीं बढ़ा, ये देखते हैं तरतीब ने क्या असर किया। तो जो चीज तरतीब वो तरतीब जो असर पे तरक्की देने वाली हो उसको ज्यादा से ज्यादा करना है। अल्लाह ने बंदों को फजाइल के रास्ते से चलाया है, धमकियों से नहीं चलाया। फजाइल ज्यादा, धमकियों कितने तो माफी की भी गुंजाइश है, लेकिन फजाइल जो वादे हैं उसमें मुखालिफत की कोई गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ने इतना देने का वादा किया था अब नहीं देंगे। अल्लाह ने इतना अजाब की बात की थी वो माफ कर देंगे, तो उसमें इम्कान है या नहीं है? वही इसके खिलाफ होगा, वादे के खिलाफ नहीं होगा। वही इसके खिलाफ होगा, इसकी इतनी सजा है लेकिन अल्लाह कह रहे मैं माफ कर देगा, लेकिन वादे के खिलाफ कि वादे के खिलाफ नहीं होगा। 27 नमाजों का सवाब के नहीं देता आप, ऐसा होगा? ये अल्लाह की सुन्नतें हैं। क्यों रोका दे रहे, माफ करने पर भी सादे रहे, सजा देने पर सादे रहे, लेकिन बंदों पर मेहरबान है तो उसकी मेहरबानी का तकाजा ही है। मैंने इसको माफ कर दिया, इसलिए कि मेरी वही थी तो इसलिए वही तो हो गई,
वो भी होगी किसी के साथ, किसी के साथ माफी भी होगी, लेकिन वादे के खिलाफ, वादे के खिलाफ तो हो गए। अल्लाह से ज्यादा अपनी बात में सच्चा कौन हो सकता है बात? इतने फजाइल का इस्तेदार जरूरी है, नहीं तो काम में रस्मियत होगी। हो गया, हाँ हो गया, ये रस्मियत, इसको रस्मियत कहते हैं। ये रस्मियत में हो जाना काफी है। रुसूम, इसे रुसूम जगाते हैं तो दिन बर्बाद हो जाता है। जान इसी से पड़ेगी कि अपने काम के फजाइल का खूब ध्यान रखो, तन्हाइयों में इसको बड़ा करो। ये हिदायत थी, पहले शुरू में हम निकलते थे तो बताते थे कि फजाइल का इस्तेमाल तीन तरीके से करो, हल्के बनाना के बड़ों से पढ़ते हैं घरों में, लद्दाखों घरों में, सफरों में। दूसरा, ये दूसरा जब दावत दो तो फजाइल से दावत दो, क्योंकि फजाइल का इल्म खास नबी को दिया जाता है। फजाइल का इल्म कयासी और अकली नहीं है। बाजार का क्रमा, बाजार में पढ़ोगे तो 20 लाख रुपए की मिलेगी, मस्जिद में पढ़ोगे तो 1000 के ना, मस्जिद में नहीं मिलेगी, वही मिलेगी। बाजार का क्रमा, बाजार में पढ़ने से 20 लाख मिलेगी, नहीं मस्जिद में पढ़ने से मिलेगी, मस्जिद की बात अलग है। इसलिए इसमें प्याज नहीं चलेगा। ये तो वहां मिलती है तो हमको नहीं मिले, 27,000 बढ़ जाती है नमाज तो वो भी कितना है। हमारे ईमान की और हमारे अमल की जान है, अल्लाह के ईमान के शौक में और अल्लाह के खौफ में अल्लाह के साथ किया है, ये असल है। नहीं तो रस्मियत है, खुद उसको भी मिठास नहीं मालूम होगी, देख ले उसको खुद अपने अमल में, अपनी इबादत में मिठास नहीं मिलेगी। बल्कि बोझ है, किसी तरह पूरी हो जाए, ये बात अच्छी नहीं है। ये कैफियत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम तो इस तरह मोहताज हो जाएंगे अपने दीन के, जैसा बीमार दवा और इलाज का मोहताज अपने आप को समझता है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मेरी मौत है ऐसे। और जो अमल करें ये उसकी फजीलत हमारे सामने हो, और फजीलत के साथ दावत है कि भाई तुझे अल्लाह ये देंगे, भाई तुझे अल्लाह ये देंगे, बल्कि तुझे नहीं अल्लाह हमको ये देंगे, अपने आप को शरीक कर कि भाई मस्जिद आओगे तो हर हर कदम पर एक लेकी लगेगी, हर मेरे एक गुना माफ हो जाएगा, हमारा एक ही दर्जा बना होगा। अल्लाह पक्की बात है, इसलिए मेरे दोस्तों दीन का काम मुजाहदों के साथ किया जाता है, राहतों के साथ नहीं। जब मुजाहदों के साथ काम करेंगे तो उस अमल का नूर बनेगा। जिस तरह तेल जलता है तो रोशनी आती है, तेल तो जलाया नहीं है तो अंधेरा ही होगा। हाँ, अब्दुल्ला तो बहुत कहते थे कि मुजाहदों के साथ काम करो, नमाज मुजाहदे के साथ पढ़ो, नफ्स पर बोझ पड़े, नफ्स पर बोझ पड़े तो दुआ में जान पड़ जाएगी, दुआ में लज्जत भी आएगी, नहीं तो कब खत्म हो, कब खत्म हो, तो दुआ मांगे रहो। इसलिए इस काम को मेहनत करके, मेहनत मेहनत में मजा नहीं होता, मेहनत तो जिम्मेदारी होती है। इसलिए मेरे भाइयों काम को अल्लाह ताला के इनाम के शौक में करना है और अल्लाह की मदद के यकीन के साथ करना है। अल्लाह की मदद ये जरूर होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते थे जब उन्होंने शिकायत की हालात की कि हमारे हालात ऐसे हैं, हम खौफ में है, हम भूख में है,
आप दुआ क्यों नहीं फरमाते, आप मदद क्यों नहीं उतरवाते, ये शिकायत लाए। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो हालात बदलने वाले हैं, ये बात फरमाई कि याद रखो हालात हालात बदलने वाले हैं। हालात तो हालात किसी को कहते हैं जो बदल जाए। फरमाया घबराओ मत, हालात बदलने वाले हैं और जो तुम चाहते हो अल्लाह वो लाएगा। जो हालात तुम चाहते हो अल्लाह वो लाएगा, मगर तुम तो जल्दी करते हो। क्यों फरमाया कि तुम तो जल्दी करते हो, वो तो अल्लाह की एक सुन्नत होती है कि बंदों से कितनी कुर्बानियां लेनी है। कुदरत दिखाइए कि बच्चा किन के हाथ में पहुंच गया है, पुलिस के हाथ में।
और पुलिसों को हुक्म था कि कोई बच्चा बनी इसराइल का हो उसे कतल करो, आम हुक्म था। तो कौन बचा रहे, कौन बचा रहे? अल्लाह बचा रहे। कि अल्लाह की कुदरत समझने के लिए कुरान करीम है कि अल्लाह करने वाला है। इधर हुजूर की हिजरत हुई थी तो हुजूर से भी करना है। इन नदी फरात अलैकल कुरान जिस अल्लाह ने तुम पर कुरान पाक उतारा है वो तुम्हारी जाने की जगह पर तुम्हें दोबारा लाएगा। अल्लाह के वादे हैं, नबियों की तालीम के अल्लाह के वादों पर चलो, अल्लाह अपनी कुदरत से वादा पूरा करेगा। वरना निकाल दिया, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी पक्के में वजू करता था तुमको, काबा अल्लाह का और नबी अल्लाह का, नमाज नहीं पढ़ सकते अंदर, तो निकाल दिया वतन से। अल्लाह ने कहा हम लाएंगे आपको, तो अल्लाह ले आए। तो इसे मेरे भाइयों जो होगा वो अल्लाह की कुदरत से होगा। हम अपने अल्लाह ताला की कुदरत को अपने साथ करने के लिए अल्लाह की इताअत करें, ये दावत है। अल्लाह की कुदरत कब साथ देगी? जब अल्लाह की मांग के चलेंगे। इसे मैंने कहा तबलीग कि अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारियों के पूरा करने का नाम है। फिर अल्लाह दिखाएंगे अपनी कुदरत, दिखाएंगे अपनी सुन्नत, दिखाएंगे अपनी हिकमत, तो ईमान ताजा हो जाएगा कि अल्लाह करने वाला है, अल्लाह करने वाला है। हाँ, अल्लाह को नाराज करके अल्लाह से कोई चीज नहीं मिलेगा, अल्लाह से गाफिल होकर के अल्लाह से कोई चीज नहीं मिलेगा। इल्म देकर इसीलिए है कि जहालत भी ना हो, गफलत भी ना हो। काफिर जाहिल भी होता है, गाफिल भी होता है। मुसलमान कि मुसलमान जाकिर भी होता है, आलिम भी होता है। जिक्र का नतीजा रहता है और इलम का नतीजा इत्तेबा, अपने इलम से इत्तेबा करें। अगर इलम नहीं है तो वो जहालत से अमल करेगा, इत्तेबा नहीं है उसके पास, जाहिल है। इल्म जिक्र इसलिए दिया गया है, इसको खाली तस्करा करने के लिए नहीं देगा। बेचारे सिर्फ मोटा पर मुजाकरा बहुत अच्छी बात है, फिर उससे ऐसे तो मुजाकरे ने क्या असर किया? फजाइल याद हो गए, मसाइल याद हो गए, तरीके मालूम हो गए, और इसके साथ इताअत करेंगे, इसके साथ दावत देंगे, इसके साथ दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए रास्ता बनाएंगे, ये हमारा काम। और उसमें अच्छे हालात आए तो शुक्र करेंगे और काम को और करेंगे, को काम करके तो अल्लाह ने अच्छे हालात बनाए तो ज्यादा काम किया, और नागवार हालात आए तो सबर किया। जमे रहे अल्लाह की बात पर, सबर का मतलब ये है कि जमेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए। तो ये हालत है, या सबर या शुक्र, इन कैफियतों के साथ काम करना है ताकि रस्मियत ना आवे। हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से होना चाहिए। हम अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं तो अपना ताल्लुक अल्लाह से कितना है जिसकी तरफ तुम दावत दे रहे हो? एक अपना जायजा ले, उसकी तन्हाई कैसी है, जलवत में कैसे हैं, खलबत में कैसे हैं, अपनी तन्हाई कैसी है। रातों में क्या है, दिनों में क्या है, रातों में अल्लाह के साथ क्या मामला है, दिनों में अल्लाह के साथ क्या मामला है, ये सब मिलते तबलीग है। अमली तश्कीलात में जो जान पड़ेगी वो इसे पड़ेगी। हमारी खलबत क्या है, तन्हाई में हम क्या करते हैं, अल्लाह से कितना ताल्लुक है। इसलिए अपने आप को हर हर चीज का पाबंद बनने की कोशिश करें, तो घबराना नहीं है। क्यों? कहता हिकमत से काम कर रहे हैं, जब हिकमत का नतीजा खुलेगा तब कहते हो यही अच्छा काम, गलत समझे।
حکمت سے بھی کرتے ہیں, قدرت سے بھی کرتے ہیں. اللہ کی حکمت پر بھی ایمان, اللہ کی قدرت پر بھی ایمان, پھر کہ پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر حال میں, اور یہ کرنا ہے. اور ہم تو دعا کا ہتھیار دیا ہے, کیا دیا ہے؟ دعا کا ہتھیار دیا. ہر نبی کو دعا کا, اللہ نبی کو حکومت نہیں دیتے, مال نہیں دیتے, فوج نہیں دیتے, وہ کسی پارٹی والے پارٹی کے مالک نہیں ہوتے. ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے, اگر بنوتی ہے نبی کے پاس دعوت ہوتی ہے, دعا ہوتی ہے. دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاتے ہیں, اللہ سے جڑتے ہیں, اللہ کے باون ہوتے ہیں. پھر کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو اپنی دعا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے حاکم کو پاور دے نہیں, میرے پاس اتنا پاور ہے, اتنا میں آپ کر سکتا ہوں, میرے پاس پاور نہیں, وہ کہیں گا ہوگا اکثر. ایسے نبی کو دعا کا پاور دیا جاتا ہے, وہ پاور اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے. تم اپنی دعاؤں سے اپنے کام نکالو. جی ہاں, آزاد کا مقابلہ دعاؤں سے کرو, صدقات سے کرو, استغفار سے کرو. والی طریقے ہمارے ہاں نہیں ہے. ایک اور بتاؤ, ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے عملوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد لیں, اللہ اپنے قدرت سے مدد کرے گا. اس نے مدد کے واقعات سنا ہے. شروع دور میں صحابہ علم تعالیٰ نازل ہوئی کہ دیکھا نہیں نبی, کیونکہ یہ قصہ حضور کی پیدائش سے کچھ 40-50 دن پہلے ہوا تھا کہ کانا کعبوں کو توڑنے کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ نے بابل بھیجے پرندے, اور پرندوں نے ان کو ہلاک کیا, ہاتھیوں کو. صاحبوں کو سنا ہے کہ میں نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یہ کیا ہے, تم نے دیکھا نہیں کیونکہ اس جیسا مشہور تھا. جس طرح کانا کعبہ کی حفاظت ہوئی کیونکہ میرا گھر ٹھہرا, میرا گھر ٹھہرا تو میں نے سفا دی, تم میرے ہو جاؤ گے تو تمہاری بھی حفاظت کریں گے. میں کسی مدد کا محتاج نہیں, اور میں کسی طاقت سے میں نہیں کرتا تھا. ہمارا تعلق تو اللہ سے ہے, دعا کا, دعوت کا, دعا کا, دعوت کا, کہ دعوت اگر صحیح طریقے پر ہوئی تو اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق زندہ ہو جائیں گے. دعوت پانچ کاموں کا اسلام نہیں ہے, وہ تو ایک اطلاع پیدا کرنے کے لیے, ورنہ دعوت کہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اسے مخلوق کے حقوق کو زندہ کرنا ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دنیا دارالحقوق ہے, آخرت دارالوجود ہے, کہ دنیا میں حقوق ادا ہوں گے, آخرت کا بدلہ ملے گا. تو حقوق کی خبر تو ہو پہلے, دین نہیں ہے تو حقوق کی خبر نہیں ہوگی. اللہ کہا, مخلوق کہا, اپنی ذات کہا, یہ ادا ہوئے پھر آخرت بن جائے, آخرت بنے گی اس سے سایہ تلے دنیا بھی بنے. اس لیے اس کام کو سیکھنا ہے, کو سمجھنا ہے, اور گھبرانا نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کی مدد حق ہے, کبھی دیر سے آئے گی, کبھی جلدی بھی آئے گی. بعض لوگوں کو ہدایت جلدی ہو گئی, بعض لوگوں کو دیر سے ہدایت ہوئی. کھیلے گی صحابہ میں بہت کام کیا, اللہ نے ان سے بہت کام کرایا. اللہ کی دستی ہے, اللہ کی دستی پر ایمان لانا اور اپنے مسئلوں کے لیے دعاؤں کا استعمال کرنا. دعائیں مانگو, دعائیں مانگو, دعا کی قبولیت کے اوقات پہچان کر دعا مانگے. اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے, قبول کرنے کا وعدہ دیا ہے, دونوں باتیں.
मांगो मैं कबूल करूंगा। अब क्या रहा? इसलिए मेरे भाइयों, हमारा मसला अपनी जगह साफ है। कमाल ताल्लुक अल्लाह से, अगर अल्लाह के बंदो से उनके अल्फाजी में उनको दिन में दिन पर लाना है, अपने आप को दिन पर लाना है। तो कोई बात हो नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगना है और मांगते रहना है, मांगते रहना है। क्यों? हमारी दुआ इबादत है। दुआ खाली हाजिर नहीं है, उनके खाली ने कोई देखना भी आपने उनको रुपया नहीं दिया, वो चलता हो गया। अब आपसे उसको कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि दुआ इबादत है। अल्लाह दुआओं को महफूज भी रखते हैं, मकबूल भी करते हैं। दोनों बातें, दुआ महफूज भी रहती है, मकबूल भी होती है। जो मकबूल हो गई उसका नतीजा दुनिया में आ जाएगा, जो महफूज हुई उसका नतीजा आखिरत में लेंगे। तो वो महफूज भी रहती है, मकबूल भी होती है। ये अल्लाह की सुन्नत है, इसलिए सुन्नतों को समझना है, फिर कोई नाम में नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुआओं का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? यकीन के साथ कि हमारी दुआ रद्द नहीं होती, महफूज होती है। हिकमत से जवाब देंगे दुआओं का, हिकमत से दुआओं का जवाब देंगे। कबूल करना है या कुछ और देना है, वो हिकमत से करेंगे। इस्तेमाल करें, अपने अमलों को जानदार बनाएं, नमाजें जानदार पढ़ें। नमाज सर से उतरती होगी, तबलीग वालों की इसमें हम कसूरवार हैं। लोग अच्छी नमाज पढ़ते हैं, लोग इंतजार से नमाज पढ़ते हैं, हम राहत से नमाज पढ़ते हैं। लोग इंतजार से नमाज पढ़ेंगे, जैसे ना मस्जिद जमात, मस्जिद वाले जमात तो पहली सब में नहीं होगी, मोहल्ले वाले पहले सब में होंगे, मोहल्ले वाले पहले सब में होंगे, जमात वाले पहले सब में होंगे। मस्जिद में सबसे पहले जाओ, सबसे आखिर में निकलो। इबादत 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 अल्लाह का हक है। इबादत क्या है? अल्लाह का हक है, कोई रसम नहीं है। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता करना है, कोई ना उम्मीद ना बने। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अल्लाह हु अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अपने हर शान में बड़े हैं, देने दिलाने में भी बड़े हैं, सजा देने में भी बड़े हैं। इसलिए कोई ना उम्मीद ना बने, कोई मुतमईन भी ना रहने के मैं कहूँ कि नहीं इतना काफी नहीं है, जितना अल्लाह चाहते हैं इतना होना चाहिए। और बार बार अल्लाह से मांगे, बार बार मांगे, एक अबूजा का वक्त आ जाए ठंडी देंगे। कोई नामिंद बने हालात की वजह से, असलाब की वजह से कोई नामिंद बने, काम बनाने वाला फकत अल्लाह है। अल्लाह मुझे तो नहीं पता।